नमस्कार दोस्तों, डीडी के एक और नए वीडियो में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे दोस्तों एसबीआई का जो सिंपल क्रेडिट कार्ड है उसको कैसे यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको इसको अप्लाई करने के लिए कहीं पर किसी ब्रांच में नहीं जाना है, आप लोग घर बैठे दोस्तों बिना किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सबमिट किए आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। तो उसको कैसे आप लोग अप्लाई करोगे, उसके बाद दोस्तों जब आपका कार्ड आएगा कार्ड को कैसे आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करोगे, उसको कैसे यूज करोगे, उसका पूरा डिटेल में वीडियो होने वाला है। इस वीडियो का दो पार्ट होगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे उसको अप्लाई करोगे, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग एसबीआई कार्ड की मदद से अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको कैसे आप लोग मैनेज करोगे। तो यहाँ पे अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि आपको अपना जो अकाउंट है उसको मेंटेन करके रखना होता है, मतलब उसमें आप लोग एक मिनिमम बैलेंस जो उसको मेंटेन करके रहोगे वो यहाँ पे हो सकता है कि 20,000 हो या फिर 210,000 हो, पर दोस्तों आपको उस अमाउंट को हमेशा मेंटेन करके रखना होगा अपने अकाउंट पे। और इसी के साथ साथ अगर आपने बैंक से कहीं पर लोन लिया है या फिर दोस्तों आपने कहीं पर फाइनेंस में ईएमआई किया हुआ है तो आपको उसको भी टाइम टू टाइम पे करना होगा, तभी दोस्तों आपको जो है यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और यहाँ पे आपको जब क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लेंगे, जब आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर अपना अकाउंट स्टेटमेंट या फिर एक कैंसिल चेक उनको शो करना पड़े। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे यूनो ऐप को यूज़ करते हो तो यूनो ऐप से भी आप लोग इस क्रेडिट कार्ड को या फिर बाकी के जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग उस पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए, उस पर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। उसके लिए दोस्तों आपको मेरे पीसी पे चलना होगा और वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये जो सारे प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आप लोग अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर दिखेंगी आपको और समझ में भी आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग इस पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे दोस्तों आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हुआ होगा। अगर दोस्तों आपको इस कार्ड के बदले में कोई दूसरे कार्ड के बारे में जानना है या फिर दोस्तों उसको अप्लाई करना है तो आप लोग यहाँ पे चेंज कार्ड पे क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो एसबीआई के जितने भी सारे कार्ड्स हैं आपको दिख जाएंगे, उनमें से अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर कार्ड के बारे में जानना चाहते हो या फिर दोस्तों आप लोग उसको अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे लर्न मोड पे क्लिक करोगे तो उस कार्ड के बारे में जो भी सारे डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि दोस्तों उसका एनुअल फी कितना है और दोस्तों आपको उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, रिवॉर्ड आपको कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग ट्रैवल करते हो या फिर दोस्तों आप लोग फ्यूल वगैरह यहाँ पे रिफिल करते हो तो उसमें आपको कितनी छूट दी जाती है या फिर कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आज के लिए हम लोग यहाँ पे जो सिंपल क्रेडिट कार्ड है उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो ये वाला कार्ड जो है इसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। आपको ये जो कार्ड है या फिर आपको 500 रुपीज़ का इसका ज्वाइनिंग फी है, पर दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे अमेजोन को यूज़ करते हो या फिर कोई दूसरे जो यहाँ पे बुक माई शो या फिर क्लियर टिप को यूज़ करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक गिफ्ट वाउचर मिलता है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट के लिए। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो 500 रुपीज़ है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा अगर आप लोग उससे कोई भी सामान खरीदते हो अमेजोन पे या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग फीस जो है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे साल में 1,00,000 रुपये या फिर 2,00,000 रुपये यहाँ पे स्पेंड कर देते हो अपने क्रेडिट कार्ड से तो आपको यहाँ पे एडिशनल 2,000 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर मिलता है जिसको अगेन आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गई यहाँ पे कार्ड के बेनिफिट के बारे में बात। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको अप्लाई करने वाले। यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या पहले से एसबीआई का कार्ड है तो आप लोग उसको नो पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स देनी होती है, जो टाइटल है उसको डाल दीजिए। उसके बाद आप लोग नाम डाल दीजिए, अगर मिडिल नेम होता है मिडिल नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना जो घर का एड्रेस है वो मतलब कि आप लोग कहाँ रहते हो वो यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे ईमेल डालिए। उसके बाद रेफरेंस कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये वाला जो मोबाइल नंबर है इससे आपको OTP आएगा, आप लोग अगर कुछ भी करते हो तो इसी नंबर पर होगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर डालने के बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको सेलेक्ट करने के बाद सेंड OTP बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, OTP को देख के यहाँ पे आपको टाइप करना है। और OTP नहीं आता है तो रिसेंट कोड पे क्लिक कर सकते हैं तो उससे आपका जो OTP है दोबारा से आपके फ़ोन पे भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपके फ़ोन पे रिचार्ज होना चाहिए क्योंकि दोस्तों बिना रिचार्ज के आपका जो SMS आने का जो सर्विस है वो यहाँ पे बंद हो जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि जब भी आप लोग यहाँ पे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे आपके फ़ोन पे कुछ ना कुछ रिचार्ज हो जिससे कि आपका SMS आपके फ़ोन पे आए। तो OTP डालने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ पे।
तो नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपके जो प्रोफेशनल डिटेल्स है वो डालने, प्रोफेशनल डिटेल्स आपका जो काम क्या काम करते हो, और दोस्तों आपका यहाँ पे अगर कोई कंपनी है तो कौन सी कंपनी में काम करते हो, वर्कर हो या फिर कौन सी पोस्ट पे आप लोग काम करते हो, आपकी इनकम कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होती है। जैसे सबसे पहले ऑक्यूपेशन, तो आप लोग करते क्या हो, यहाँ पे आप लोग कोई नौकरी करते हो या फिर आप लोग पेंशन लेते हो, मतलब कि आप लोग रिटायर्ड हो गए हो, या फिर आप लोग खुद से कुछ करते हो, कोई बिजनेस वगैरह करते हो। तो यहाँ पे मैं बिजनेस करता हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा, अगर मैं नौकरी करता है तो सैलरी पे क्लिक करता है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी पे, कंपनी का आप लोग कोई नाम डाल दीजिए, अगर आपकी खुद से कोई आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग ओनर लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रोप्राइटर लिख सकते हैं, और अगर आप लोग यहाँ पे काम करते हो तो वर्कर लिख सकते हो। उसके बाद आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो इनकम आपके जितने आते हैं उसके आसपास डालिएगा, एक्यूरेट ना भी हो तब भी चल जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो पैन कार्ड नंबर है, और उसके बाद आपका ऑफिस का पिन कोड, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएगा, तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पे डालने के बाद, अगर आपका पिन कोड पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं होता है तो आप लोग आसपास का कोई पिन कोड डाल के देख सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे आप लोग अगर दूसरे कोई एरिया का पिन कोड डालते हो जहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल है, तब भी दोस्तों आपका काम बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो कार्ड है आपका यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस पे आएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे इसके बाद डालने वाले हो। तो आपको यहाँ पे जो आपका पिन कोड है वो अगर आप लोग कोई दूसरा डालते हो तब भी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे कि दोस्तों ये वाला पिन कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया, तब अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक राइट टिक आ गया है, मतलब कि ये इस पिन कोड पे ये सर्विस अवेलेबल है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका जो करंट एड्रेस है, मतलब कि आप लोग अभी जहाँ पे हो तो उसका एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा। तो ये इस एड्रेस पे आपका जो कार्ड है आपको भेजा जाएगा, तो ये वाला जो एड्रेस है आप लोग ध्यान से डालिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग एड्रेस को डाल दोगे तो उसके बाद ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे आपको रेफरेंस कोड मिल जाएगा। ये वाला जो कोड है इसको आप लोग यहाँ पे नोट करके रख सकते हो, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख सकते हो, ताकि दोस्तों जब आपको यहाँ पे SBI से कॉल आए, या फिर दोस्तों आपको SBI से अगर कॉल ना आए, तब दोस्तों आप लोग उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो उसके टोल फ्री नंबर पे, और उनको बोल सकते हो कि मैंने इस रेफरेंस कोड के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट किया था और दोस्तों अभी तक मुझे SBI से कॉल नहीं आए। तो दोस्तों वो लोग वहाँ से आपकी हेल्प कर देंगे, और दोस्तों आपका जो प्रोसेस है उसको वहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। तो दोस्तों आज का ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे कार्ड आ जाएगा मेरे घर पे या फिर मेरे एड्रेस पे, तब दोस्तों मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे जो है अपना SBI कार्ड को यहाँ पे रजिस्टर करोगे SBI कार्ड एप्लीकेशन में, उसका पिन कैसे जनरेट करोगे, और उसको कैसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, उसका बिल पेमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, और जो बेल नोटिफिकेशन उसको इनेबल करके ऑल पे सेट कर देना होगा, ताकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।